नमस्कार, पीएमई विद्या चैनल नंबर 5 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब जो आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, इसमें हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं हवाई छतरी। जी हाँ, बच्चों को कहानियां सुनना बहुत ही पसंद होता है और हमारे इस सब्जेक्ट हिंदी में आज के टॉपिक का नाम है हवाई छतरी, जो कि कहानी है। और इसके साथ साथ इस कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ जानेंगे भी। कैसे जानेंगे, क्या ये कहानी है, इसको बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर DEE NCERT, और साथ ही डॉक्टर अभिनव प्रकाश हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। तो रमेश सर, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी और हमारा टॉपिक हवाई छतरी, एक कहानी जो हम काफी चीजों के माध्यम से बताएंगे भी और बच्चों को कुछ इसमें इसके जरिए हम कुछ बनाना भी सिखाएंगे, जैसा मैं इस वक्त देख भी रही हूँ। और जो हमारा आज का टॉपिक है हवाई छतरी, इस पाठ्यक्रम में ये सब बताया भी गया है। तो हमारे बच्चों को ये सब बताना आप शुरू करें, आपके माध्यम से हम आज के जो हमारा सेशन, इसकी शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया, आपके साथ मिल करके हम हवाई छतरी के बारे में बातचीत करेंगे। हवाई छतरी दो शब्द से मिलकर के बनी हुई है। जो दोनों शब्द हैं वो है हवाई और छतरी। समझिए आप सभी लोग, मैं अपने बालकों से कहना चाहता हूँ कि जब आप तमाम तरह की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं तो ये भी एक गतिविधि है जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं से अपने आप को उल्लसित करके जोड़ने का प्रयास करते हैं। और इसी जुड़ाव को लेकर के ये जो छोटी सी आपके सामने एक क्रियाकलाप रखी गई है, वो ये रखी गई है ताकि आप खुद से ही अपने आसपास की वस्तुओं को लें और लेकर के अलग अलग गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हुए उसके आधार पर आप अलग अलग प्रारूप में चीजों का निर्माण करें और वो निर्माण आपको क्रियात्मक रूप से सजगता और साथ में उसके साथ में आपका जुड़ाव स्थापित करेगा और अलग अलग तरह से आपको अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से आनंद भी प्रदान करेगा। और इसी आनंद को प्रदान करने के लिए आप हवाई छतरी नाम के इस क्रियाकलाप को हमारी किताबों में संलग्न किया गया है। अब मैं अपने सारे विद्यार्थियों से ये बातचीत करूंगा कि जब आप अपने विद्यालय आते हैं तो कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि आप तमाम तरह की गतिविधियों में संलग्न रहने का प्रयास करते हैं। होता यह है कि आप स्कूल आने के साथ में आपका जुड़ाव पहले अध्ययन अध्यापन से होता है, आप तमाम तरह की चीज़ों में संलग्न रहते हैं, अपनी जो शिक्षक है उसे बातचीत करते हैं, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि आपका मन इन के अलावा खेलने का भी करता है। और इसी खेलने के क्रम में हमने अलग अलग गतिविधियों के रूप में इस पूरे के पूरे किताबों में अलग अलग चैप्टर के रूप में आपके सामने अलग अलग गतिविधियों के रूप में सारी चीजें संलग्न की है। उसी में से एक गतिविधि के रूप में आपके सामने यह प्रस्तुत है हवाई छतरी। हवाई छतरी अलग अलग तरह से अलग अलग प्रदेशों में बनाई जाती है और उसमें से एक छतरी जो हम लोगों ने अपने अनुसार अपनी उपयुक्तता के अनुसार चीजों को लेकर के बनाया है वो है, हम एक रुमाल लेते हैं, उसके आकार अलग अलग हो सकते हैं, वो लंबा हो सकता है, थोड़ा चौड़ा भी हो सकता है, आप यदि कहें तो उस तरह के जो भी रुमाल है उसको लेकर के हम आप लोगों को दिखा भी सकते हैं। जी जरा साहब, आप चाहें तो आप खुद ही इस रुमाल को खोल करके आप दिखा सकते हैं बच्चों को। जी, साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, इस कहानी को भी आप बताते रहें, आप शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, सभी बच्चों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आप अपना कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो फौरन हमें कॉल करिए। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर क्या है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा नंबर है 8800440559। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर dth.class5@ciet.nic.in। इस माध्यम से, चाहे टेलीफोन का माध्यम हो या ईमेल आईडी का माध्यम हो, आप हमें हमसे संपर्क साध सकते हैं, अपनी कोई भी बात हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए अब आपको स्टोरी भी सुनवाते हैं और प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं जो डॉक्टर अभिनव प्रकाश जी हमें दिखाने वाले हैं। जी जरूर, जैसा कि रमेश सर ने बताया कि हम अलग अलग प्रदेशों में
अलग अलग तरीके से हम जो है वो हवाई छतरी का निर्माण कर सकते हैं। और साथ ही साथ सर ने ये भी बताया कि ये जो पाठ है वो क्यों ज़रूरी है, और सच में मतलब क्लासरूम में जो पांचवी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है कभी कभी, तो पाठ इसलिए शामिल किया गया है ताकि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में जो है वो शिक्षण का विकास कैसे किया जाए उसी के तहत ये हवाई छतरी जो है वो पाठ है। इस पाठ में हम ये भी देखते हैं कि इसे खिलौना का कितना महत्व है, जैसा कि शीर्षक ही है खिलौने वाला, जिसमें खिलौने बनाने की विधि है। फिर पाठ में सबसे अंतिम है बनाओ खुद का बाजा, जिसमें कि बच्चे अपने खुद के मतलब संज्ञान से या खुद के ज्ञान से वो क्या बना सकते हैं। आज हवाई छतरी में एक रुमाल के माध्यम से, धागा के माध्यम से और एक पत्थर के माध्यम से पैरासूट बनाने की बात जो है वो कही गई है, तो हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि पैरासूट जो है वो कैसे बनता है या हवाई छतरी शीर्षक का नाम दिया गया है वो कैसे उसका निर्माण होता है जी। तो सबसे पहले एक रुमाल लेंगे, जैसा कि सर ने बताया, जो कि रुमाल हमारे पास में है और आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, एक पत्थर भी हमारे पास है और आप धागा अपने घर में अपने लंबाई या जो भी सुविधा हो उसके अनुसार आप धागा का चयन कर सकते हैं जी। तो तीन समान हवाई छतरी का होना जरूरी है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और किताब में भी दिया गया है। समान लंबाई के धागे के चार टुकड़ों को रुमाल के चारों कोनों से बांधें, रुमाल के चारों कोनों के बीच तक मोड़े, चारों धागों के पत्थर बनाने से पहले एक निश्चित कर लो कि उनकी लंबाई एक समान हो, जैसा कि सर ने भी बताया। अब इसे आकाश की ओर जोर से उछालो और इसके धीमे धीमे तैरते हुए नीचे आने का मजा लो। मतलब ये जो छतरियां बनाते हैं तो ये आप एक मंजिल इमारत हो या फिर थोड़ा सा ऊंचाई पे जाकर के जब आप छोड़ेंगे तो इसमें हवा का दबाव होगा और तब वो फिर मतलब छतरी कहलाएगा, इसलिए हवाई। और ये जो एक्टिविटी है उसका ये कहा गया कि मतलब इसको क्या करना है, रुमाल की जगह, जिससे मान लीजिए कि किसी के पास रुमाल नहीं है या कागज नहीं है, तो प्लास्टिक का भी एक कटोरा है, आप प्लास्टिक का कटोरा का चयन कर सकते हैं, उसको चार छेद करिए चार जगह अलग, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। जी जी हाँ, वो हल्का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए बहुत ही हल्का होना चाहिए। अच्छा, मैंने अभिनव जी कई बार देखा है कई छोटे बच्चों को, बड़े बड़े शहरों में तो ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कई जगहों पर ऐसी चीजें देखी है कि बच्चे पन्नियों का इस्तेमाल भी करते हैं। रुमाल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पन्नी का इस्तेमाल करके भी इस हवाई छतरी को आप बना सकते हैं। जी जरूर, हाँ, पन्नी बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान, हल्की भी होती है। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि जैसे बनाने की विधि तो हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जैसे कि आपने कहा कि प्लास्टिक के माध्यम से या पन्नी के माध्यम से, रुमाल के माध्यम से हम हवाई छतरी या पैरासूट बना सकते हैं। हमारे पास एक नाव बनाने का, जो बच्चे जो क्लासरूम में भी नाव बना सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं, उसकी विधि हम बहुत ही सरल ढंग से, एक वीडियो है हम उसमें देखना चाहेंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और नाव तक जाने के पहले बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों के साथ जुड़ करके हम उस गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करें। बिल्कुल, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमारे पास में जैसे मैडम ने कहा कि हमारे एक नंबर है, उस नंबर को आप नोट करें और कोई भी समस्या हो तो आप हमारे से संपर्क स्थापित करें और हमसे बातचीत करें। तो इसी संपर्क स्थापित करने के क्रम में ही मैं आपसे बता दूं कि जब हम सभी लोग भी छोटे हुआ करते थे तो जो माचिस की डिबिया होती थी, वो माचिस की डिबिया को भी हम लोग उसमें धागा जोड़ करके संवाद स्थापित करने के लिए उसको एक संयंत्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। दो माचिस होते थे उसके डिबिया, और दोनों माचिस की डिबियों को लेकर के हम लोग उसमें एक छोटे से छिद्र करते थे और दोनों को बांध करके, और वहां से एक व्यक्ति इसको सुनता था और दूसरा व्यक्ति जो उसको संवाद स्थापित करता था, और ये चीजें लगातार होती रहती थी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं से हम अपने उपयोग के लिए जोड़ते थे, और न सिर्फ जोड़ते थे बल्कि किसी न किसी रूप में हम इस बात को स्थापित करते थे कि ये चीजें भी हम अलग अलग माध्यम से बना सकते हैं, और वो चीजें हम कहीं ना कहीं से ये स्थापित करते थे कि इस तरह की चीजें भी उपयोगी हो सकती है, और ये चीजें कहीं ना कहीं से हम जो छात्रगण हैं या हम जो विद्यार्थी हैं वो उसको आज भी अपने उपयोग करते हैं। बिल्कुल, वही नहीं, कई बार स्थिति ये होती थी कि हमारे पास में मिट्टियां हैं तो मिट्टियों को लेकर के हम अलग अलग आकृति भी बनाते थे, और उस आकृति में भी हम अलग अलग तरह से संलग्न रहते थे, और ये चाहे
दीपावली का समय हो हाँ। तो हम लोग घरौंदा बनाते थे और वो घरौंदा की याद आज भी हमें अपने जहन में उतर आती है कि देखिए घरौंदा हम लोग उसे बनाते थे और न सिर्फ घरौंदा बनाते थे बल्कि हम उसमें सारी आकृतियां उसमें लेके रख देते थे। भाई ये सीढ़ी है, ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह से हमारी एक बिल्डिंग बनी हुई है और इसके अलावा कई बार तो ऐसी होती थी कि हम आपस में ही एक दूसरे से संबोधन करते थे कि मेरी जो मीनार है या मेरी जो बिल्डिंग है वो सेकंड फ्लोर तक है, आपकी जो ये है वो तीन फ्लोर तक है। तो ये कहीं ना कहीं से आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाता था, नए करने के लिए आपको आगे जोड़ता भी था। तो आप सब लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आपके पास में भी तमाम ऐसे पदार्थ होंगे, कई ऐसी चीजें सामग्रियां मिल जाएंगी जिसके माध्यम से आप उसको लेकर के जी अलग अलग ढंग से उसको जोड़ करके भी अलग अलग संयंत्र को स्थापित कर सकते थे। अभी अभिनव जी ने ही बोला कि बजाओ खुद से बनाया बाजा, तो बनाओ खुद से बजाया बाजा की स्थिति ये थी कि बहुत सारी चीजों को हम लोग रसास्वादन करते हैं, जैसे आम है तो आम को हम लोग खाते हैं, उसकी गुठलियों को हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जो हमारा बाल प्रेम है वो आम की गुठलियों को भी लेकर के उससे कुछ न कुछ नवीनता, कुछ कुछ न कुछ नई चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता है। और उसी प्रेरणा के क्रम में हम न सिर्फ आम की गुठली का ही इस्तेमाल करते हैं बल्कि हम जामुन के जो बीज है उसका भी इस्तेमाल हम अलग अलग रूपों में करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम बालमन हर एक चीजों में सृजनात्मकता की पहल करता है, क्रिएटर होते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढने का प्रयास करता है। और यही चीज मैं अभिनव जी को भी कहता हूं कि देखिए आपने कहा नाव बनाने के लिए, मैं नाव के अलावा मैं कागजों से हवाई जहाज भी बनाता था जो बहुत ही सड़ा हुआ होता था और वो उसको उड़ाने में हमें वो आनंद आता था जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। वो जितने ही दूर जाए हम पूरी ताकत के साथ में उस हवाई जहाज को ऊपर फेंकते थे और टकटकी लगा करके हम आसमान में देखते थे कि हमारा हवाई जहाज कितनी दूर चला गया। तो मेरा यही कहना है कि आप सब लोग भी अलग अलग चीजों को लेकर के अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से अलग अलग तरह से जुड़ने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि हम लोग भी चाहे वो मिट्टियों के आधार पर धागे से बांध करके वो हाथ में लेकर कैसे आगे फेंकना, कई बार होता है कि मिट्टियों से बॉल बनाना, कई बार होता है कि मिट्टियों से अलग अलग आकृतियां बनाना, कई बार होता है कि कई अलग अलग जो खाद्य पदार्थ हैं यानी कि अलग अलग फल हैं उस फल के बीज का भी अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना। तो ये सब चीजें आपकी सृजनात्मकता को, आपकी नवीनता को रिचार्ज करती है, यानी कि उसको नवीनता के रूप में हमारे सामने परोसती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और न सिर्फ परोसती है, कई बार स्थिति ये बनती है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंस का ही विज्ञान के ही कोई हम गतिविधि कर रहे हैं, तो उस गतिविधि को करने के क्रम में हम उसके लिए अलग अलग जैसे बीकर में पानी भर के उसमें तमाम तरह की चीजों को डाल करके उसको आगे बढ़ाना है, तो हम नवीनता को लेकर के अलग अलग चीजों को लेकर के भी उसमें नई नई चीजें जोड़ते थे और वो चीजें हमको उत्प्रेरित करती है कि हम बच्चों के सामने एक मिसाल पेश करें। बिल्कुल। और इसीलिए हम आगे बढ़कर के इस तरह के नवीन चीजों को लेकर के आते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कुछ चीजें अच्छी बन जाती है, कुछ खराब भी बन जाती है, लेकिन उस स्थिति से कभी भी हमको मायूस नहीं होना चाहिए। कई बार स्थिति होती है कि हमने आम के जो कह सकते हैं कि बीज है उसको बीज बना करके घिस करके हमने उसको कोशिश किया कि वो एक बाजा बन जाए, हो सकता है कि अभिनव जी का बाजा बजता हो और हो सकता है कि मेरे बाजा न बजता हो, लेकिन न बजने के क्रम में हम कभी भी इस चीज से निराश न हो कि हमने जो बनाया वो खराब बनाया, बल्कि हमने प्रयास किया और यही प्रयास कहीं ना कहीं से उस रूप में सामने आएगा कि हम इस बात को गर्व से कह सकेंगे कि देखो मेरा बनाया हुआ बाजा कितना सुरीला और कितना मधुर संगीत छेड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और वैसे भी बच्चों को कुछ ना कुछ करती रहना चाहिए। देखिए बचपन में ही ये तय हो जाता है कि जो बच्चा है वो आगे कितना जाएगा, उसकी कई एक्टिविटी ये बता देती हैं कि बच्चे का मानसिक जो विकास है किस तरह से हो रहा है। तो बच्चों को ऐसे कई तरह की चीजों में बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रमेश ने कहा कि बचपन में जो है बच्चों का टेलीफोन, मैं तो इसे कहूंगी कि बनाया जाता था और उससे बच्चे एक दूसरे से संपर्क करते थे। तो देखिए बच्चे अपने लिए खिलौने खुद ढूंढ लेते हैं, जरूरी नहीं कि खिलौने बहुत महंगे हों,
छोटी छोटी सी चीजों से, छोटी छोटी सी सामग्रियों से आप अपने लिए खिलौने खुद तैयार कर सकते हैं। उससे दोनों काम होंगे, आपका मानसिक विकास भी होगा और आपको एक नया खिलौना भी मिल जाएगा। बहरहाल अभिनव जी, ये अभी आपने बनाना बताया हमारे सभी बच्चों को कि किस तरह से हवाई छतरी जो है ये बनाई जाती है। इसके अलावा आज क्या कुछ और खास हम अपने बच्चों को बताने वाले हैं? जी जी, आप सर ने एक बताया और हम वीडियो की जैसा बात है हम बाद में करेंगे। हाँ। लेकिन मैं इस पार्ट से जो क्या ज्ञान मिलेगा उसके बारे में बातचीत करूंगा। हाँ। कि जैसे मान लीजिए कहने को तो सर ने कहा कि आप आम के जो है वो गुठली से हम बाजा बना सकते हैं या मिट्टी से हम लोग बना सकते हैं या फिर हम तमाम तरह की चीजें जिसका आपने जिक्र किया कि माचिस से भी हम जो है वो टेलीफोन बना सकते हैं, बच्चे उसको खेल सकते हैं। हाँ। लेकिन उनसे सीखा क्या जा सकता है मैं उस पर बात करूंगा। हाँ। जहां तक इस पाठ में बात किया गया कि हवाई छतरी अगर हम एक रुमाल से बनाते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं, तो रुमाल से या फिर हम धागा लेते हैं या पत्थर लेते हैं तो सीखने इससे जानकारी क्या मिलेगी। अब आप सब जानते हैं कि जो हवाई छतरी है या पारासूट है या ऊपर ऊंचाई से उछलेगा, तो इससे सीखने के लिए हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि क्या यह हवाई छतरी पारासूट जो है ये चंद्रमा तक जा सकता है क्या, क्या जो हमने नाव बनाया वो पानी में चलता है तो पानी में चलने के लिए उसमें कितना भार होना चाहिए। आप बताइए, पत्थर का नाव बनाएंगे, पत्थर का भी नाव शिल्पकार बना सकता है लेकिन उसको पानी में रखेंगे तो डूब जाएगा, लेकिन कागज का नाव पानी में तैर जाएगा। तो ये जो ज्ञान है कि ये जो कागज का ही नाव जल में तैरेगा या जब हम लकड़ी का नाव बनाते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा लकड़ी होता है जो कि पानी में तैर सकता है, कौन सी सामग्री का इस्तेमाल कहाँ कितना किस हिसाब से करना जी बिल्कुल। तो ये जो पार्ट है वो एक तरह से खेल खेल में, जैसा कि बात सर ने भी किया कि सृजनात्मकता का विकास है, सृजनात्मकता का तो विकास है ही, साथ ही साथ उससे ज्ञान भी हमें देने को प्रेरित करता है कि हम जैसा कि पहले भी कहा कि जैसे नाव बनाओ नाव है या फिर ये जो हम रुमाल से छतरी बना रहे, तो केवल हमें ये क्लासरूम में खेलने के लिए चीजें नहीं मतलब एक तरह से पेश किया गया, दिखाया गया, ये बताने का प्रयास किया गया है कि यह जो पैरासूट है वो आकाश से धरती पर आएगा, तो आकाश में कौन कौन से लोग होते हैं और आकाश में अगर पैरासूट जाना है तो वो कैसे कैसे जाएगा। मान लीजिए कि आपने रुमाल का यहाँ पे उदाहरण दिया या प्लास्टिक का दिया, लेकिन अगर रुमाल में छेद हो जाए, कागज में छेद हो जाए या जो पैराशूट सच में जो हम बनाते हैं और हवाई जहाज से कभी न कभी हमें मुसीबत में जो कूदते हैं लोग, उसमें अगर छेद हो जाए तो पैराशूट सही में उड़ पाएगा कि नहीं पाएगा, तो इसका क्लासरूम में जानकारी देना भी बच्चों को जरूरी है। और इसके तहत भी ये पाठ को शामिल किया गया कि बच्चे इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी वो हासिल करें। और मतलब यही है कि ये जो जानकारी है बच्चों के अंदर वो एक खेल के माध्यम से उनके अंदर भाषा, उनके अंदर आसपास के चीजों को सूझबूझ के साथ खेलते हुए कैसे हम सीख सकते हैं, इस पाठ का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जी हाँ। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि कोई कोई वीडियो भी हम देख रहे हैं जो शायद आप दिखाने के लिए बच्चों को लेकर आए हैं, आप अगर अनुमति दें तो हम इसे बच्चों के लिए प्ले कर दें। जी जरूर जी। मैं चाहूंगा कि बच्चे इससे आनंदित हो और न सिर्फ आनंदित हो बल्कि इसका प्रयोग भी करें। हाँ। आपस में यदि उन्होंने देखा है कि हाँ भाई इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग चरणों में अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं, उन गतिविधियों को आप भी अपने इसमें जीवन में उपयोग करें और अपनी दिनचर्या में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें मिलेगा। तो चलिए बच्चों, बिना वक्त गवाए आपके लिए एक छोटी सी वीडियो हम प्ले करने जा रहे हैं। आज आपको नाव बनाने की विधि सिखाऊंगा। सबसे पहले आप एक कागज लीजिए इस तरह का, इसके चारों कोने समान होने चाहिए, इसे आप बीचों बीच मोड़ दीजिए कुछ इस तरह से। जब आप कागज को बीचों बीच मोड़ देंगे तो आपको मोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप इसे बीचों बीच मोड़ दीजिए, तो मैंने इसको दूसरी बार बीचों बीच मोड़ दिया। मोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके चार कोने निकल कर आए, एक दो तीन और ये चार। इन चार कोनों में आप क्या करेंगे कि जो पहला कोना है इसे आप अपनी ओर मोड़ेंगे, पहली ओर कोने को अपनी ओर मोड़ दीजिए और बाकी के तीन कोने को पीछे की ओर मोड़ दीजिए इस तरह से। जब आप मोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं बीचों बीच इस तरह की जगह बनती है, और जब आप इसको इस करेंगे इसको इस तरह से मोड़ दीजिए बिल्कुल। जब आप इसे इस तरह से कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से बन गया है, और यहाँ पर अब ये दोनों खुलने के लिए
तैयार इस तरह से, और यह खुलने के साथ ही आपकी नाव तैयार। तो देखा बच्चों, कैसे अभी नाव बनाने की विधि आपने देखी है, कैसे आप नाव बना सकते हैं। डॉक्टर अभिनव ने हमें बताया कि कैसे आप हवाई छतरी बना सकते हैं, किस तरह से इसे बनाना चाहिए, ये विधि भी अभी आपने देखी। साथ ही डॉक्टर रमेश कुमार ने भी अपना एग्जाम्पल हमसे शेयर किया कि बचपन में कैसे वो बच्चों का टेलीफोन जो है वो बनाया करते थे और महज माचिस की डिब्बी से उसे बनाया करते थे। डॉक्टर साहब, और बचपन में क्या हम कुछ खास किया करते थे, क्या मतलब बच्चे ऐसा कि घर की ही सामग्री से बहुत सारी चीजें, जैसे आज हम हवाई छतरी की बात कर रहे थे लेकिन देखिए कितनी सारी चीजें हमने बनाए, कैसे ये जानना सीखा। इसके अलावा क्या कुछ ऐसे हो सकता है जो बच्चे छोटी छोटी सी सामग्री से ही वो अपने लिए खिलौने तैयार कर सकें, या फिर ये कह लीजिए कि उनका मानसिक विकास भी जो है इसको बनाते बनाते हो। बहुत ही अच्छी बात आपने मेरे से कही है। मैं हमारे जितने भी पाठक हैं और जितने भी हमारे छात्रगण हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप सभी लोग पाठ्य पुस्तक को जब आप खोलते हैं तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई है, उसमें से आप देख लीजिए। बहुत आपके पास में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उन पेड़ की पत्तियों से आप अलग अलग तरह से बाजा बजा सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा कई बार स्थिति होती है कि हम सब लोग जब अपने अतीत को देखते हैं तो ये देखते थे कि हमारे पास में अलग अलग कॉपियां होती थी, कॉपियों में एक धागे पर उस समय में हम लोग पेन का इस्तेमाल करते थे और पेन में स्याही होती थी, तो उस धागे में हम लोग उस स्याही को लगा देते थे और अपनी जो कॉपी है उस कॉपी के किसी एक पेज में धागे को रख करके खींचते थे इसको, उसमें अलग अलग आकृतियां बन जाती थी। उस आकृतियों को भी लेकर के हम एक दूसरे के सामने रखते थे और उनसे बातचीत करते थे कि देखो इसमें आप क्या चीज देख रहे हो, तो उससे बच्चे बड़े आनंदित होते थे और अपने अपने तरह से कहानियों को रखते थे हमारे सामने। और कई बार ऐसे होते थे कि उसमें कुछ आकृतियां जो थी वो अलग अलग शेप में अलग अलग इसमें बन जाती थी और हम लोग ये कहते थे कि देखो हमारे इस जो चित्र है जो अभी आपके सामने इस पेज में दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही घने बादल है, उस बादल में उड़ते हुए बहुत सारी चिड़िया दिखाई दे रही है, और उसमें हम एक दूसरे से बहुत हंसी मजाक करते थे और उनसे हम इस बात को लेकर के संवाद भी स्थापित करते थे। तो मैं ये कहता हूं कि जब भाषा की बात हो रही है और उस तरह के जब आकृतियों को लेकर के हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो हमारे सामने एक आधार देता है ताकि हम अपनी भाषा का विकास कर सके, उनसे लगातार बोल सके, अलग अलग तरह से हम कहानी का निर्माण कर सके, अलग अलग तरह की चीजें हम आपके सम्मुख रख सके। तो मेरा ये कहना है कि अलग अलग चीजों को लेकर के हम आपके सम्मुख आते हैं, खेल के माध्यम से भाषा को सीखते हैं और न सिर्फ सीखते हैं बल्कि इसको अपने जीवन में व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों, ये जो आजकल बच्चे हमने देखा है आधुनिक युग में, शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, बच्चे जो हैं आधुनिक युग में हमने देखा है बड़े ही महंगे खिलौने उन्हें चाहिए, मोबाइल में गेम खेलना उन्हें ज्यादा पसंद है, लेकिन हम अपने बच्चों को यही कहना चाहते हैं। और हमारी जो ये क्लास है, इसका जो आज का हमारा टॉपिक है, या ये कह लीजिए हमारा कोई भी टॉपिक हो, हमारा भले ही कोई भी सब्जेक्ट हो, वो हर सब्जेक्ट आपको कुछ नया, हर टॉपिक आपको कुछ नया सिखाने के लिए, सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। तो हम अपने बच्चों से यही कहेंगे कि अपने फोनों से अपना ध्यान हटाकर प्रैक्टिकल कीजिए, इन छोटी छोटी सी चीजों से, इन छोटी छोटी सी एक्टिविटी से आप अपने मानसिक विकास को अच्छे से कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक विस्तृत सोच जो है आपकी वो डेवलप होगी। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारे को जो हमारी भाषा है, हमारे शब्द है, वो सभी कुछ अपने आप बेहतर होते रहेंगे, क्योंकि जब हम कुछ प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो कई चीजें हमें खुद ब खुद पता लगने लगती हैं और वो हमारे दिनचर्या में जब शामिल हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत से बदलाव हमारे जीवन में आ जाते हैं। अभिनव जी, जैसा अभी आपने बताया कि हम हवाई छतरी की बात कर रहे हैं, मैं उसी टॉपिक पर अब आऊंगी, हमने अभी देखा कि हवाई छतरी बनाने में आप कुछ बात कर रहे थे, कुछ सुराख भी उसमें किए जाते हैं, कुछ होल्स किए जाते हैं, वो हमारा जो है वो एक पॉइंट रह गया है, हमारे बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे उस पॉइंट को आप कंप्लीट करें। जी जरूर, मैं उसको बताऊंगा। आपने एक बात कही थी कि जैसे आजकल बाजार में बहुत ही महंगे खिलौने आ गए और बच्चे उस पर ज्यादा ललायित होते हैं, लेकिन यह जो पाठ है या तमाम इस तरह के जो पाठ है जिसका कि मैंने जिक्र किया था कि खिलौना वाला में अलग तरह की खिलौने बनाने की विधि है, या हवाई छतरियां बनाओ खुद का बाजार, या एक पाठ है चौथी क्लास में नाव बनाओ नाव, और हमने नाव बनाने की विधि भी देखा, तो यह जो पाठ है इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को अपने परंपरा से जोड़ करके और
खेलने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। मान लीजिए कि इस पार्ट में जो बनाने की विधि दी गई है हवाई छतरी की, वो बहुत ही साधारण है कि रुमाल घर में सबके पास मिल जाएगा, या रुमाल नहीं है तो कपड़ा जो है वो चकोर कपड़ा हो वो मिल जाएगा, पत्थर जो है आसपास होते ही और धागा भी होता है। हाँ। यहाँ कहीं जाने की बाहर जरूरत नहीं, बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जब आप नाव बनाओ, नाव और नाव का आपने वीडियो देखा, तो कागज से आप नाव बहुत ही आसानी से बना सकते हो, और उसे घर में एक छोटा सा बर्तन में आप पानी भर करके नाव को चला सकते हैं, अपने आसपास में जो भी जहां जल जमा हो वहां पे उस कागज को छोड़ दे और आप नाव बना करके खेल करके उसे जानकारी ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस पाठ से सीख मिलती है कि जिस एनसीईआरटी या जो शिक्षक इस क्लास में बात करेगा वो एक रूपता और समरूपता की बात करेगा। यहाँ पे इस पाठ में जो खेलने का जो एक सामान तैयार करने की विधि दी गई या जो जानकारी हासिल करने की दी गई वो इसलिए दी गई है कि बच्चे के पास एक समान रूप से समान चीजें उसके पास हो, कहीं यहाँ पे बड़ा और छोटा नहीं है। मान लीजिए कि आप जिस खिलौने की बात कर रही थी, कोई अगर 2,000, 3,000, 4,000 का अगर बंदूक लाता है, किसी के पास वो पैसे नहीं हो तो नहीं, कैसे वो खेल सकता है। लेकिन हवाई छतरी बनाने के लिए बहुत ही महंगा सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपल एक रुमाल लेते हैं और इस रुमाल को बीच में पकड़ते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसके चार धागे बनाइए, चार सीने और पत्थर से आप इसको बांधिए और आप छत से उड़ा सकते हैं, ऊंचाई से उड़ा सकते हैं, उसी तरह से नाव बना सकते हैं। अब आपने एक सवाल पूछा था कि अगर मान लीजिए कि जो हवाई छतरी है वो क्या तब बनाना संभव है जब रुमाल में छेद होगा। हाँ। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर रुमाल में कहीं भी अगर छेद होगा, जब हम ऊंचाई से उसे छोड़ेंगे तो हवा का दबाव जो है वो भी काम करेगा, तभी छतरी बनेगा वो। तो अगर कहीं भी अगर छेद होगा तो हवा का दबाव इसमें नहीं हो पाएगा और वो जो छतरी का रूप ये धारण नहीं कर पाएगा। तो चाहे वो पन्नी हो या प्लास्टिक हो जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर वो कहीं से भी टूटा फूटा हो तो वो छतरी का रूप धारण नहीं करेगा और वो पारासूट नहीं बन सकता है। तो पहली जानकारी ये तो कि रुमाल में कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, अगर छेद है तो वो छतरी का निर्माण नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो अभी हमारे सभी बच्चों ने ये देखा कि कैसे हम जो है अपना ध्यान इस ओर केंद्रित कर सकते हैं कि घर की ही छोटी छोटी सी सामग्रियों से हम अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरह के खिलौने जो हैं वो बना सकते हैं, बौद्धिक विकास में भी काम आते हैं। और हम अपने बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे या अभिभावक भी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे ये जो क्लासेस होती हैं, ये जो हमारे सेशन होते हैं, इसको बच्चे ही नहीं बड़े भी देखना पसंद करते हैं, जिसके लिए अब हम आभार सदैव व्यक्त करते हैं। तो हम अभिभावकों से भी यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को उनका बौद्धिक विकास किस तरह से हो इस और ध्यान केंद्रित करें, इसमें आपकी भी अहम भूमिका है। अगर आपका बच्चा मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसे बताइए कि इसके अलावा भी बच्चे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करके, बहुत सारे घर की सामग्री को इस्तेमाल करके अपने लिए खिलौने जो हैं वो खुद ही बना सकते हैं। ये पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे तो जो जिस तरह से हवाई छतरी बनाने की विधि दी गई है, वो बच्चे जो देख रहे हैं वो खुद भी घर में आज बनाए और अभिभावक देख रहे हैं तो वो भी बनाने भागीदारी बच्चों के साथ करें वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं और मैं आप सभी लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि जब आपके बच्चे आपके साथ संलग्न होने का प्रयास करते हैं तो कभी आप उनको उनके साथ विरक्त ना हो। कहने का अर्थ ये है कि ऐसी स्थिति ना हो कि आप बच्चों को ये कहें कि आप अपने समूह में जाकर के खेलें, नहीं, आप भी उनकी सामूहिकता में शामिल हो, उनके साथ में लगातार समय दें, क्योंकि यदि आप समय देंगे तो बच्चे बड़े ही खुश होकर के आप अपने जो भी उनके सहपाठी है उसके साथ में जाएंगे और कहेंगे कि भाई देखो हमारे पापा भी, हमारे पिताजी भी हमारे साथ में हैं। बिल्कुल सही। इस तरह की जो भी स्थिति होती है, आप निश्चित तौर पर आप बच्चों के साथ में समय उनके साथ में उपलब्ध कराएं, क्योंकि उससे बच्चे की मानसिक रूप से सशक्त होगा और आपके साथ जुड़ेगा और तमाम तरह की अलग अलग गतिविधियों में आपके साथ में वो मजबूती से। बहुत सही डॉक्टर साहब ने बात कही कि बच्चों का जुड़ाव माता पिता से होना बहुत जरूरी है। आज के आधुनिक युग में वो जुड़ाव कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उस जुड़ाव को बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है। बहरहाल आज जो हमारा जो टॉपिक था हवाई छतरी, वो अभी आपने जाना भी, देखा भी, और उसके अलावा भी हमने कई अहम विषयों पर चर्चा की है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़े थे। टाइम चूंकि अब बहुत ही कम रह गया है तो आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि पीएमई विद्या चैनल से जुड़े रहिए, ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका मानसिक विकास होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।